ऑरिजन और पॉजिटिव चार्ज के दरमियान डिस्टेंस है थ्री मीटर्स सिमिलरली नेगेटिव चार्ज का ऑरिजन से डिस्टेंस है थ्री मीटर्स अब हमने फाइंड ये करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी के ऊपर इन तो दो चार्जेस की वजह से क्या है हमने क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करनी है पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी दैट विल बी फ्रॉम द पॉजटिव पॉजिटिव चार्ज टू द पॉइंट पी और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन होगी दैट विल बी फ्रॉम पॉइंट पी टू द नेगेटिव चार्ज और उसको मैं दूसरे डायग्राम में शो कर देता हूँ और इसमें आगे चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अब इस डायग्राम को देख लें ये जो रेड वेक्टर मैंने ड्रॉ किया हुआ है दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज और इसको मैं कह देता हूं कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई वन ई वन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज और ई टू विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज अच्छा अब हमने ये जो रेड वेक्टर है इसकी लेंथ uh, हमने फाइंड करनी है इट मीनस कि पॉइंट पी और इस पॉजिटिव चार्ज के दरम्यान डिस्टेंस कितना है यही सेम डिस्टेंस पॉइंट पी और नेगेटिव चार्ज के दरम्यान भी होगा क्योंकि ये दोनों लेफ्ट और राइट सेम डिस्टेंस के ऊपर है ऑरिजन से तो इस वजह से अगर हम एक के लिए इलेक्ट्रिक uh, फील्ड और उनके कंपोनेंट्स फाइंड करें तो वो चीज़ें ट्रू होगी चार नेगेटिव चार्ज के लिए भी तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है आ, हमने थीटा यानी डायरेक्शन हमने फाइंड करनी है कि इस ये जो वेक्टर है ये कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सेस के साथ तो एज वी नो दैट दूसरे वाले डायग्राम में देख लें दिस डिस्टेंस इज थ्री मीटर्स और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है दैट इज़ फोर मीटर्स अकॉर्डिंग टू तो दिस ट्राइंगल अगर हम इस ट्राइंगल को फोकस करें तो इस ट्राइंगल के आ, आ, मदद से हम ये देखते हैं कि टीटा के सामने वाले साइड जो है वो क्या है परपेंडिकुलर है ये जो ग्रीन लाइन है ये परपेंडिकुलर है और जो टीटा के साथ वाले जो साइड है जो थ्री मीटर्स है ये हमारे पास इस केस में बेस है तो अगर हम ये तीटा फाइंड करेंगे तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है टेन तीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस तो पर पेंडिकुलर इज फोर फोर मीटर्स और बेस है थ्री मीटर्स मीटर्स और मीटर कट जाएंगे हमारे पास टीटा की वैल्यू आ जाएगी टीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स फोर ओवर थ्री तो अब हम कैलकुलेटर की मदद से फाइंड करेंगे टेन इनवर्स फोर डिवाइडेड बाई थ्री दिस इज इक्वल टू 53.13 डिग्रीज तो ये एंगल बनता है 53.13 डिग्रीज अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी वजह से क्या है एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू यानी ये हम ई वन के लिए फाइंड करते हैं तो के क्यू बाय आर स्क्वा तो अब क्योंकि आर हमें नहीं पता कि आर कितना है तो सबसे पहले हम आर फाइंड करते हैं इसी ट्राइंगल को अगर हम देख लें इस ट्राइंगल के अंदर ये परपेंडिकुलर है ये थ्री मीटर बेस है और यहां पर मैं इसको आर वन कह देता हूं तो ये आर वन हमने पहले फाइंड करनी है ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट पी से चार्ज पॉजिटिव चार्ज तक तो ये आर वन हमने फाइंड करना है तो यूजिंग पैथागोरम एज वी नो दैट आर वन स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, जो कि वो क्या है फोर स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर स्क्वायर रूट दिस इज सिक्सटीन थ्री स्क्वायर इज नाइन सिक्सटीन प्लस नाइन इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव रूट स्क्वेयर रूट मैंने डाला हुआ है तो यहां पर ये स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा तो आर वन विल equal टू फाइव तो आर वन इज फाइव मीटर्स तो आर वन हमारे पास आ चुका है तो आर वन इतना है तो आर टू भी फाइव मीटर्स ही होगा क्योंकि ये सेम डिस्टेंस के ऊपर है ऑर से तो आर वन भी फाइव मीटर्स और आर टू भी फाइव मीटर्स तो इस तरह से नाइन इंटू टेन पावर नाइन इन चार्ज इज थ्री पॉइंट टू एंटू टेन पावर माइनस नाइनटीन ये गिवन है ओवर आर स्क्वायर यानी फाइव इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो नाइन एक्सपोनेंट पोनेंट नाइन मल्टीप्लाई थ्री पॉइंट टू माइनस नाइनटीन तो ये आ जाता है टू पॉइंट एट एट इंटू टेन पावर माइनस नाइन डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फाइव यानी फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव दिस इज इक्वल टू यानी ई वन इज इक्वल टू वन पॉइंट वन फाइव टू इंटू टेन पावर माइनस टेन न्यूटन पर कूलम दिस इज ई वन और E2 भी सेम होगा तो इस वजह से मैं कहता हूं कि E1 वन इज इक्वल टू ई तो अब हमारे पास ये दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास आ चुके यानी E1 और E2 क्या है वो सेम है अब जो कंसेप्ट समझना चाहते हैं वो हम इनके कंपोनेंट्स के साथ अब खेलते हैं अब देखिए यहां पर मैं अब कंपोनेंट्स ड्रा कर देता हूं बाकी चीजें मैं यहां से खत्म कर देता हूं कि मैं आसानी से वेक्टर्स को इनके कंपोनेंट समझा सकूं यहां पर देखें जो पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वजह से जो ये रेड वेक्टर है इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे एक कंपोनेंट इसका ये जो ग्रीन के ऊपर है एक वर्टिकल कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी और जो एक्स कंपोनेंट है उसकी डायरेक्शन यहां पर होगी ये जो रेड वेक्टर्स है और रेड जो एरो है वो इस E1 के, के ये दिस इज ई वन एक्स और दिस इज ई वन वाई सिमिलरली अब हम आते हैं ई टू की तरफ ई टू क्योंकि इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है यू है अब इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे एक की डायरेक्शन होगी ये और दूसरी की डायरेक्शन होगी इधर डाउनवर्ड वर्टिकल कंपोनेंट ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है दिस इज ई टू वाई और दिस इज ई टू एक्स यहां पर हम देख रहे हैं कि जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं, ई वन वाई की डायरेक्शन अपवर्ड है और ई टू वाई की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है यानी इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है और ई वाई की डायरेक्शन अपवर्ड है और दोनों क्योंकि नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इनकी अगर कंट्रीब्यूशन है तो देखें ई वन एक्स की डायरेक्शन भी लेफ्ट साइड पे है ये देखें और इस तरह से ई टू की डायरेक्शन भी सेम है यानी दोनों की डायरेक्शन सेम है तो लिहाजा इन दोनों को हम प्लस करेंगे दैट विल विल बी बी द द नेट नेट इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड सो एडिशन ऑफ ई वन एक्स प्लस ई टू एक्स इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो अब हम ई वन पे ई वन एफ ऑफ एक्स फाइंड करेंगे और ई टू एक्स फाइंड करेंगे ई वन एक्स फाइंड करेंगे दैट विल बी सेम एज ए टू एक्स क्योंकि दोनों सेम है तो लिहाजा सबसे पहले मैं ई वन एक्स फाइंड कर देता हूं तो ई वन एक्स इज ई वन थीटा ई वन कॉज थीटा तो ई वन हमने फाइंड कर लिया है दैट इज वन पॉइंट वन फाइव टू इंटू टेन पावर माइनस टेन इंटू कॉज फिफ्टी थ्री पॉइंट जो एंगल की वैल्यू आ चुकी है वो हमने यहां पर डालनी है फिफ्टी थ्री पॉइंट वन थ्री अब हम कैलकुलेटर की मदद से ये सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाइड बाय कॉस फिफ्टी थ्री पॉइंट वन थ्री दिस इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट वन टू ये हमारे पास आ गया है e1 वन ऑफ एक्स एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ई टू एक्स क्योंकि दोनों कंपोनेंट्स सेम है अब e1 वन एक्स और ई टू एक्स की जब वैल्यूज आ गई हैं ये वैल्यू वैल्यूज हम ऊपर वाली इक्वेजन में पुट कर देंगे इस वाली इक्वेजन में सो so, जब वैल्यूज पुट करेंगे दिस विल बी इक्वल टू ई नेट विल बी इक्वल टू सिक्स पॉइंट नाइन वन टू इंटू टेन पावर यहाँ पर मैंने नहीं लिखा इंटू टेन पावर माइनस एलेवन इंटू टेन पावर माइनस एलेवन प्लस सिक्स पॉइंट नाइन वन टू इंटू टेन पावर माइनस एलेवन इन दोनों को प्लस करेंगे देट विल बी इक्वल टू वन पॉइंट थ्री एट प्लस करने के बाद इंटू टेन पावर माइनस टेन क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका यूनिट क्या है न्यूटन पर कोलम सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वन पॉइंट थ्री एट इंटू टेन पावर माइनस टेन न्यूटन पर कोलम सो दिस इज द फाइनल आंसर